मैं कीर्ति परोहा, 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 10 है उसको समझेंगे। तो इसके पहले आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको निकाल लें, और ये स्टोरी बहुत ही बहुत अच्छी स्टोरी है जिसको आपको समझने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10, द सर्मन एट बनारस, यानी बनारस में दिया गया उपदेश। और ये जो चित्र प्रस्तुत आप देख रहे हैं, ये किसका है? गौतम बुद्ध का है, और इनके बारे में आप भली भांति परिचित हैं, लेकिन फिर भी हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध 563 BC टू 483 BC बिगन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. अब यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? गौतम बुद्ध के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले तो हम देखते हैं उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 563 BC. BC means before Christ, before the birth of Christ, और डेथ हुई थी उनकी 483 BC। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे थोड़ा सा अंतर दिख रहा है कि बर्थ का जो ईयर है वो पहले है और उनकी डेथ का जो ईयर है वो बाद में है। तो आपको एक बात मैं अच्छे से बताऊं कि जब आप मैथ्स में टाइम लाइन वाला इशू करते हैं, तो यहाँ पर भी जो टाइम पीरियड है उसको क्राइस्ट से रिलेटेड करके बनाया गया है, अर्थात जो बर्थ ऑफ क्राइस्ट है उसको जीरो मान के एज्यूम किया है, और उसके पहले का जो समय है वो सब माइनस में, जैसे -1, -2, -3। सो दैट्स वाई जो उनका बर्थ का डेट है वो कैसा है, बड़ा दिखाई दे रहा है, ज्यादा अंकों में है, और उसके बाद 483 BC बाद में। तो इससे आपको समझ में आएगा, और इसके बाद जो है वो आफ्टर BC वाले हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 BC और डेथ हुई थी 483 BC में। उनका ही जो जीवन की शुरुआत हुई थी, तो उनका नाम शुरू से गौतम बुद्ध नहीं था, उनका नाम एक राजकुमार की तरह, वो एक राज परिवार में पैदा हुए थे, और वहां पर उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, उत्तर भारत के क्षेत्र में। एट 12 जब वो 12 वर्ष की अवस्था में थे, तो पहले क्या होता था कि प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था थी शिक्षा की, तो वो 12 वर्ष की अवस्था में उनको कहाँ भेज दिया गया, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और वहां पर उन्होंने जाकर के द हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर, यानी पवित्र हिंदू शास्त्र पुराणों का उन्होंने अध्ययन किया। एंड 4 ईयर लेटर जब 4 वर्ष का उनका यह अध्ययन पूरा हुआ, वो घर लौटे, और वहां पर लौटने के बाद उनकी शादी एक राजकुमारी से साथ कर दी गई थी। अब आपको एक मैं जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछती हूँ कि गौतम बुद्ध की शादी जिस राजकुमारी के साथ हुई थी उनका नाम क्या था? आपने बहुत अच्छा मैथिली शरण गुप्त की एक कविता में इसको पढ़ा होगा, इस प्रसंग को, तो आप पता करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज बेफिटेड रॉयल्टी। ऑल अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेयर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब जब उनकी शादी प्रिंसेस से कर दी गई, उसके बाद उनको एक बेटा हुआ, और उसके बाद उन्होंने पूरा 10 साल बहुत एक शाही तरीके से अपने जीवन को जिया, जैसे एक राजा रानी राजकुमार राजकुमारियों का जीवन होता है, राजसी ठाट बाट के साथ उन्होंने 10 साल तक अपना जीवन जिया। उसके बाद जब वो 25 की एज पर पहुंचे, यानी 25 वर्ष की अवस्था में, इसके पूर्व तक जो गौतम बुद्ध थे उनको दुनिया की सांसारिकता से बहुत दूर रखा गया, दुनिया के कष्ट अनुभव उनके पिता ने उनको बहुत एक बहुत नाजुक तरीके से उनका पालन पोषण किया, और उनको सांसारिकता से दूर रखा गया था, इसलिए वो शील्डेड, मतलब उनके कवर टाइप का रहा कि उनको दुनिया के कोई भी दुख और कष्ट का ज्ञान नहीं था। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. अब यहाँ पर जब एक दिन क्या हुआ, 25 वर्ष की अवस्था के बाद गौतम बुद्ध जब
जैसे राजा लोग शिकार खेला करते थे तो वो भी कहाँ निकले, शिकार पर निकले। और जब उन वो शिकार पर निकले तो उनको चार चीजें ऐसी दिखाई दी जिससे उनका हृदय परिवर्तन हुआ। व्हाट आर दीज फोर थिंग वी डिस्कस हियर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर गौतम बुद्ध शिकार पे, तो उनको क्या मिला, उनको एक बीमार व्यक्ति मिला, सिक मैन मिला। सबसे फर्स्ट क्या मिला, सिक पर्सन मिला। दूसरा एन एज्ड मैन, एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। तीसरा देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फ्यूनरल प्रोसेशन यानी शव यात्रा, शव यात्रा उनको दिखाई दी। और चौथा दिखा कि एक जो भिक्षुक था वो क्या मांग रहा था, भिक्षा मांग रहा था, एम्स यानी भिक्षा, भिक्षा व्यक्ति कर रहा था। तो इन चार चीजों ने उनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर व्यक्ति बीमार क्यों होता है, वो उसको मृत्यु क्यों आती है। और इसके बाद उनको क्या समझ में आया कि लोग मरते हैं तो कहाँ जाते हैं, व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है, जरा क्यों आती है, और लोग भीख क्यों मांगते हैं। दिस साइंस सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस। इन चारों चीजों ने उनके मन को इतना ज्यादा विचलित किया और प्रभावित किया कि उनका मन सत्य और ज्ञान की तलाश के लिए क्या हो गया, बेचैन हो उठा। और उनको लगा कि दुनिया में जितने भी दुख हैं जो कि उन्होंने अभी देखे और आगे भी जो हैं वो सब क्यों हैं, उसके कारण जानने की उनके अंदर जिज्ञासा हो उठी। और उन्होंने क्या धारण कर लिया, संन्यास धारण कर लिया। उन्होंने गृहस्थ संसार से दूर होकर के वो संन्यास के जीवन जीने लगे। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर्स एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री वेयर ही वोव टू स्टे। और इस ज्ञान, इस सत्य की तलाश में वो 7 साल लगभग भटके, यहाँ वहां वो घूमते रहे सत्य की तलाश में, और फाइनली अंततः वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। और वहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक मुझे इन सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, मुझे कारण पता नहीं चल जाएगा कि संसार में इतना दुख क्यों है, तब तक मैं इस वृक्ष के नीचे ही बैठा रहूंगा। वोग्ड मीन्स प्रतिज्ञा। Until enlightenment came, enlightened after 7 days, he renamed the trees the Bodhi trees, tree of wisdom. अब आखिरकार जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली तो पीपल ट्री के नीचे, तो उनको पीपल ट्री के नीचे बोधि सत्य यानी बोध ज्ञान प्राप्ति हुई, उनको बोध ज्ञान की प्राप्ति हुई 7वें दिन, 7 दिन के बाद। और उन्होंने उस वृक्ष का नाम क्या रख दिया, द बोधि ट्री, बोधि वृक्ष, जो अभी भी गया में मौजूद है। एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। और जब उनको वो ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको लगा कि ये ज्ञान सिर्फ मुझे अपने तक सीमित नहीं रखना है, हमको इसको दूसरों को भी बांटना है। तो उन्होंने वहां से शिक्षा देना चालू की और अपनी जो नए नए उनको अनुभव प्राप्त हुए उनको भी शेयर करना चालू किया। मतलब महात्मा बुद्ध को जब इस चीज का ज्ञान हुआ, गौतम बुद्ध को सत्य का और इन सारे दुख तकलीफों के कारण का, तो उन्होंने इस चीजों को लोगों को उपदेश की तरह बांटना चालू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकम नोन एज बुद्धा। और उस दिन के बाद से जैसे उनका नाम सिद्धार्थ था तो अब वो किस नाम से जाने जाने लगे, बुद्ध के नाम से, भगवान बुद्ध के नाम से जाने लगे। बुद्ध का अर्थ होता है द अवेकेंड और द एनलाइटेड, अर्थात जागृत या प्रकाशवान जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका। प्रकाशवान मतलब जिसको ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो चुका है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगाज। अब क्या बोल रहे हैं कि जब भगवान बुद्ध को इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने क्या किया, इन लोगों को बांटना चालू किया अपना ज्ञान। और प्रीच्ड मतलब उपदेश, तो उन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया, सरमन यानी उपदेश, वो कहाँ दिया, सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में। ये बनारस शहर कौन है, बहुत पवित्र शहर है जहां पर गंगा नदी का किनारा है और वहां लोग आकर के स्नान करते थे और एक पवित्र धार्मिक स्थल भी माना जाता है। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। और उनके जो दिए गए उपदेश है उन सबको संरक्षित किया गया है और उसको यहाँ उसमें से एक बताया भी जा रहा है आपको। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग।
इनस्क्रूटेबल मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ऐसी कोई चीज जिसको समझा ना जा सके। तो इन सारे उपदेशों को, महात्मा बुद्ध के, गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुरक्षित करके रखा गया है, उसमें से एक उपदेश आपको यहाँ बताया जाएगा। और ये सारे जो उपदेश हैं वो गौतम बुद्ध की जो बुद्धिमत्ता है उसको बताते हैं, और वो ऐसे दुखों का अंत बताते हैं जिसको आज तक समझा ना जा सके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट। लेट अस स्टार्ट वन ऑफ द सेरेमन इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पर एक सेरेमन जो उनका उपदेश है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, वो है किसा गौतमी एंड द मस्टर्ड सीड। वो जो उपदेश है उसका नाम का टाइटल क्या है, किसा गौतमी एंड द मस्टर्ड सीड। यानी किसा गौतमी एक महिला का नाम है और मस्टर्ड सीड का मतलब होता है सरसों के दाने। तो चलिए अब समझते हैं अपन ये। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। किसा गौतमी नाम की जो महिला थी महात्मा गौतम बुद्ध के समय में, उसका सिर्फ एक ही लड़का था और वो की मृत्यु को प्राप्त हो गया था, मतलब उसका वो लड़का मर गया था। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड। अब इतना ज्यादा ग्रीफ है ना, डीप सॉरो, उसको इतना ज्यादा दुख हो गया था कि वो अपने उस मरे हुए बच्चे को लेकर के हर पड़ोसी के पास गई और उन सबसे क्या मांगी कि मुझे कोई दवाई दे दो ताकि मेरा बच्चा फिर से जीवित हो जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। और लोग कहते थे कि अरे ये जो महिला है, ये जो औरत है, इसने अपनी बुद्धि खो दी है, इसने अपने सारे संज्ञान खो चुके हैं क्योंकि इसका बेटा तो मर चुका है, फिर भी ये उसको इस आशा में लिए लिए घूम रही कि कोई मेरे बच्चे को दवाई दे दे और मेरा बच्चा बच जाए। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। आखिरी में क्या होता है, किसा गौतमी एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है जो उसकी रिक्वेस्ट को क्या करता है, रिप्लाई करता है, आंसर देता है। आई कांट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। दी का मतलब होता है, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है यू, दाई यानी योर। तो दी और दाई जो है वो ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, ये ध्यान रखिए। तो कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकता और तुम्हारे बच्चे को भी कोई मेडिसिन दे के नहीं बचा सकता, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूं जो तुम्हारे बच्चे को वापस ला सकता है, जिंदा कर सकता। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज इट। और वो किसा पूछती है प्लीज 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 मुझे बताओ वो कौन है जिससे मेरा बच्चा मुझे वापस मिल सकता है। एंड द मैन रिप्लाइड, और वो व्यक्ति बोलता है गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। कहां जाओ तुम, साक्य मुनि के पास जाओ जिनका नाम है बुद्धा। साक्य मुनि ऑल्सो नेम्ड फॉर बुद्धा। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। किसा गौतमी जैसे तैसे करके रिपेयर मैंने पहुंचती है बुद्ध भगवान के पास और क्राइड और बोलती है लॉर्ड एंड मास्टर, ईश्वर और स्वामी गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। हे ईश्वर, हे मेरे स्वामी, ऐसी कोई दवाई दे दीजिए जिससे मेरा बच्चा बच जाए, मेरा बच्चा पुनः जीवित हो जाए, ऐसी कोई दवाई आप दे दीजिए क्योंकि आप तो ईश्वर हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं, तो मेरे बच्चे को पुनर्जीवित कर दीजिए। द बुद्धा आंसर्ड, भगवान बुद्ध आंसर करते हैं उसको, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रिक्योर इट। अब वो क्या बोलते हैं, भगवान बुद्ध बोलते ठीक है ठीक है, मुझे तुम एक मुट्ठी राई के दाने लाके दे दो। जैसे ही किसा गौतमी सुनती है कि एक मुट्ठी राई के दाने, उसका मन बहुत खुश हो जाता है और वो इसलिए खुश हो जाती है कि अरे ये तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो कहीं से भी मिल जाएंगे मुझे, और वो खुशी के मारे उसको पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। देन बुद्ध एडेड, तब फिर बुद्ध भगवान एक चीज और बोलते हैं, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड हस्बैंड पेरेंट पेरेंट और फ्रेंड। तब भगवान बुद्ध एक शर्त रखते हैं कि मुझे एक मुट्ठी राई के दाने तो लाके दो, लेकिन शर्त क्या है कि उस घर से, जिस घर से तुम ये मुट्ठी भर राई के दाने लाके दोगी, तो इस बात का ध्यान रखना कि वहां कोई भी मरा नहीं होना चाहिए, उस परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हुई होना चाहिए, मतलब ना किसी ने अपना बच्चा खोया हो,
ना किसी ने अपना पति खोया हो, ना किसी ने अपने माता पिता खोए हों, और ना ही किसी ने अपने दोस्त खोए हों। मतलब किसी एक ऐसे परिवार से वो राई के दाने लेके आओ जहां पर कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। Poor Kissa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take me." But when she asked, "Did a son or daughter, a father or mother die in your family?" they answered her as, "The living are few, but the dead are many." अब क्या होता है, वो किसा गौतमी बेचारी फिर जाती है घर, हर घर जाती, घर घर जाती है, और लोग उस पर दया करते हैं और उसको क्या करते हैं, मस्टर्ड सीड ला करके देते हैं। लेकिन फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हारे यहाँ किसी लड़के की, किसी लड़की की, किसी पिता की, किसी माँ की, किसी की भी मृत्यु तो नहीं हुई तुम्हारी फैमिली में? तो वो कहते हैं, अरे ऐसा कहाँ है, लिविंग आर फ्यू, जो जीवित हैं वो तो थोड़े हैं, बट द डेड आर मैनी, लेकिन जो मर चुके हैं वो बहुत हैं। ऐसा कोई घर नहीं मिला उसको जहां पर ऐसा कोई बोल दे कि मेरे यहाँ किसी की मृत्यु कभी हुई ही ना हो। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रीफ एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट। अब सब बोले मुझे अब वो पुराना याद मत दिलाओ, वो दुख जो गहन दुख है उसको याद मत दिलाओ, और लास्ट में उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता जहां किसी ना किसी की मृत्यु ना हुई हो। मतलब वो जितने भी घरों में जाती है सब जगह हर परिवार में किसी ना किसी की मृत्यु हुई रहती है। किसा गौतमी बिकम वेरी वेरी एंड होपलेस एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। किसा गौतमी बहुत थकी और बहुत निराश होकर के रोड के किनारे जाके बैठ जाती है और शहर की जलती हुई लाइटों को देखती है। As they flickered up and were extinguished again, वो देखती है कि वो किस प्रकार से प्रकाश फ्लिकर्ड यानी जलती है लौ के साथ, किस प्रकार से वो जलती है और फिर किस प्रकार से उनकी लौ बुझ जाती है। At last the darkness of the night reigned everywhere, वो देखती है कि फिर जब जैसे ही लाइटें जलने के बाद बुझ जाती है चारों ओर फिर से अंधकार छा जाता है। And she considered the fate of man. और तब वो उसको मनुष्य के भाग्य के बारे में समझ आता है। That their lives flicker up and are extinguished again. कि हर व्यक्ति जैसे चिरागों की रोशनी जलती है और बुझती है, उसी प्रकार से जीवन की भी जो रोशनी है मनुष्यों की वो जलती भी है और फिर बुझ जाती है। And she thought to herself. तब फिर वो अपने आप से विचार करती है। How selfish am I in my grief? अरे मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी अपने दुख के पीछे। Death is common to all. मृत्यु तो सबके लिए बनी है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अमरता प्राप्त करके आया हो। Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. हाँ, इस मृत्यु वाले जीवन में भी एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा पथ है जहां पर हम इमोर्टल हो सकते हैं यदि हम अपनी सारे स्वार्थों को छोड़ दें। मनुष्य अगर निस्वार्थ हो जाए तो उसके लिए अमृत पाना कोई कठिन बात नहीं होगी। द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इन ट्रबल्ड एंड ग्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, कि जो जीवन है वो कैसा है, मृत्यु है, मतलब मोर्टल है, मृत्यु वाला है, हमेशा जीवन में मृत्यु रहेगी ही रहेगी और पूरे समय दुख रहेगा, पूरे समय दर्द भी भरा रहेगा। For there is not any means by which that those have been born can avoid dying. यहाँ ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई साधन नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार पैदा हो तो वो मरे ना। After reaching old age there is death. एक बार बुजुर्ग अवस्था आने के बाद मृत्यु आना निश्चित है। Of such a nature are living beings. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortal when born are always in danger of death. अब यहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से वृक्ष पर लगे हुए जो फल होते हैं वो जब राइप हो जाते हैं यानी पक जाते हैं, वृक्ष पर लगे हुए जो पके फल हैं, अगर वृक्ष पर कोई फल उगा है उसका पकना भी निश्चित है और वृक्ष के फल को राइप या पकने के बाद नीचे गिरना भी
निश्चित है। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है। एज ऑल अर्थन वेसल मेड बाय द पॉटर एंड इन द बीइंग ब्रोकन। अर्थन वेसल मतलब मिट्टी के घड़े, जो पॉटर जो कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाता है उनका टूटना भी निश्चित है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ठोकर लगेगी और वो टूट जाएंगे। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जवान हो, चाहे वो प्रौढ़ावस्था में हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो मूर्ख हो या वो बहुत बुद्धिमान ही क्यों ना हो, सबके सब फॉल इन टू पावर ऑफ डेथ, यानी मृत्यु के शाश्वत समुद्र में या उसकी शक्ति के अंतर मृत्यु को प्राप्त होंगे। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी के सभी जीवित लोग हैं वो मृत्यु को प्राप्त होंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का जीव क्यों ना हो। अब दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर कैन सेव देयर रिलेशंस मार्क, व्हाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ। अब वो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर मृत्यु से बचना चाहता है, जीवन से बचना चाहता है, वो निश्चित नहीं हो सकता। एक पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, भले ही रिश्तेदार कितना भी दुख क्यों ना मनाए। अगर रिलेटिव्स बहुत दुखी होते हैं, लैमेंटिंग डीपली मतलब विलाप करते हैं कितने भी जोर जोर से, लेकिन मृत्यु से नहीं बच सकते, और हम मृत्यु से किसी को बचा भी नहीं सकते। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, बिल्कुल जीवन उसी प्रकार का है कि जैसे एक बैल को कहाँ ले जाया जाता है, वध स्थल तक ले जाया जाता है। स्लॉटर मतलब वध करने का स्थान जो होता है उनका, ऑक्स का, उनको बोला। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, तो पूरी दुनिया जो है वो किसके घेरे में घूम रही है, मृत्यु और नश्वर होने के, डिके यानी विनाश होना, धीरे धीरे डिके हो जाना। Therefore the wise do not grieve, इसलिए बुद्धिमानी ये कहती है कि हमें दुख नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। Knowing the terms of the world, हमें जीवन के इस संसार के जो नियम है, जो कानून है, जो उनकी अपनी सेटिंग है, ईश्वर को अपनी प्रकृति को चलाने की, उसके साथ चलना चाहिए, उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind, ना तो ही हमें विलाप करना चाहिए, ना हमको गहन दुख मनाना चाहिए, हमको क्या करने की कोशिश करना चाहिए, peace of mind, obtain peace of mind, यानी हमें बुद्धि की, अपने मस्तिष्क की शांति और मन की शांति पर जोर देना चाहिए। On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer, जितना ज्यादा हमको दुख होगा, जितना ज्यादा दर्द होगा, उतना ही ज्यादा हमारे शरीर को भोगना पड़ेगा, उसको भुगतना पड़ेगा, उसको उस पीड़ा को वहन करना पड़ेगा। He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. अब वो कहता है कि दुख करके सिर्फ हम अपने आप को कमजोर करते हैं, अपने शरीर को पीला बना लेते हैं, लेकिन मृत्यु को हम नहीं बचा सकते किसी भी प्रकार का विलाप करने से। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. अब क्या कहते हैं? जिसने अपना तीर ऐसा बनाया जिसमें सारे विलाप, सारी शिकायतें और सारा दुख का तीर अपने मन और मस्तिष्क के उससे छोड़ दिया, वो क्या प्राप्त कर लेगा? शांति प्राप्त करेगा, तभी उसको पीस ऑफ माइंड प्राप्त हो सकती है। अर्थात हमको शांति प्राप्त कैसे हो सकती है कि यदि हम अपनी तकलीफें, अपनी शिकायतें, अपना विलाप और अपना गहन दुख किसी एरो की भांति, तीर की तरह निकाल के बाहर फेंक दें, तो हमको शांति प्राप्त कर लेंगे। और ऐसा व्यक्ति Who has overcome all sorrow will become free of sorrow and be blessed. ऐसा व्यक्ति जो जिसने सारे दुखों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो दुखों से दूर हो चुका है, वही सबसे ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, यानी वही सबसे ज्यादा खुश और ब्लेस्ड
रह सकता है। तो बच्चों ये था बहुत अच्छा चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।